साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे 15 मिनट के शो में। आप सभी तमाम प्यारे छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को बता दें कि आज हम ऐसा टॉपिक एक लेके आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए एकदम रामबाण साबित होने जा रहा है, एकदम रामबाण अगर बात किया जाए सर। और ये टॉपिक है सर, भारत में प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल। सबसे पहले तो हम आपको गवर्नर जनरल और वो कब से कब तक शासन किए हैं ये आपको डेटा आज के वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद जो है अगले क्लास में यानी अगली वीडियो में हम आपको जो है हर गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण कार्य लेकर आएंगे, कौन गवर्नर जनरल ने कौन से कार्य किए हैं। लेकिन आज का वीडियो जो आपके सामने आ रहा है यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल जो भारत में रहे हैं और वायसराय रहे हैं और वो कब से कब तक भारत में रहे हैं यह बस आज के वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और देखिए आपके सामने थंबनेल में लगा होगा इस संपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके कार्यकाल। यह वीडियो आपको मिल रहा है, बहुत सारे छात्रों ने कमेंट भी किया था कल के वीडियो पर, सर गवर्नर जनरल और वायसराय पर आप एक वीडियो बना दीजिए जो परीक्षा में बहुत कारीगर साबित होगा। तो उसी को देखते हुए मेरे प्यारे छात्रों मैंने वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं सर। पहला गवर्नर जनरल आपके सामने यहां से पूछा गया है और ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया है रॉबर्ट क्लाइव जो है प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं और रॉबर्ट क्लाइव का शासन काल दो बार रहा है, 1757 से 60 रहे और 1765 से 1767 रहे हैं। दूसरा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स आता है, यह 1774 से 1785 तक शासन करता है। तीसरा गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन आते हैं, कब से कब रहते हैं 1785 से मेरे प्यारे छात्रों 1786 तक रहते हैं, एक साल रहते हैं। चौथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस आते हैं, 1786 से 1793 तक कार्नवालिस शासन करते हैं। चौथा सर जॉन सोर आते हैं, कब रहते हैं 1793 से 1798 तक रहते हैं। पांचवा छठा की बात करें लॉर्ड वेलेजली आते हैं, 1798 से लेकर 1805 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला गवर्नर जनरल की बात करें सर जॉर्ज वार्लो, याद रख लीजिएगा 1805 से लेकर 1807 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, कब से कब 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो रहते हैं। फिर आपके सामने आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, कब से कब रहते हैं 1813 से 1823 तक जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आपके रहते हैं। फिर आपका लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं, कब से कब 1823 से लेकर 1828 तक जो है ये 10वें नंबर के गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड एमहर्स्ट होता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 11 नंबर गवर्नर जनरल जो आते हैं बड़ा प्रमुख गवर्नर जनरल है जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी होता है। फिर 12 नंबर पे आते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, और कब से कब रहते हैं 1835 से लेकर 1836, मात्र एक साल रहते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड नामक गवर्नर जनरल, मेटकॉफ के बाद कौन आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं जो 1836 से लेकर 1842 तक रहते हैं। साथियों याद कर जाइएगा, फिर लॉर्ड एलनबरो आते हैं ऑकलैंड के बाद जो 1842 से लेकर 1844 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, आप सभी ने पढ़ा होगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है एलनबरो के तुरंत बाद आते हैं 1844 से लेकर 1848 तक जो है एक गवर्नर जनरल और वायसराय रहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, उसके बाद आपके लॉर्ड डलहौजी का समय आता है 1848 से 1856 तक रहते हैं। फिर आपका लॉर्ड कैनिंग आते हैं डलहौजी के तुरंत बाद जो 1856 से 1862 तक इनका समय होता है। फिर कैनिंग के तुरंत बाद लॉर्ड एल्गिन करके आते हैं जो 1862 से लेकर मेरे प्यारे छात्रों 1863 तक रहते हैं। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस करके आते हैं और ये रहते हैं 1863 से 1868 तक रहते हैं। फिर आपका लॉर्ड मेयो करके आते हैं जिनके समय में आपने पढ़ा होगा प्रथम जनगणना हुआ है, हम सबका कार्यकाल आपको पढ़ाएंगे कौन से गवर्नर जनरल के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम हुए हैं वो सब एक वीडियो में आपको हम लेकर आने वाले हैं। अगला वीडियो वही सब हम लेकर आने वाले हैं,
किस किस गवर्नर जनरल के टाइम में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। तो आप पेशेंस बनाए रखिए, इस वीडियो का पहले पूरा रिवाइज कर लीजिए। ये वीडियो लाने का मकसद यही था कि पहले आप गवर्नर जनरल का समय और उनका शासनकाल याद रखें और उनका क्रम याद रखें कि किसके बाद कौन गवर्नर आता है। उसके बाद आपको मजा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हर एक गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कामों की हम बात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। साथियों, लॉर्ड नॉर्थब्रुक कब से कब रहते हैं, जो मेयो के तुरंत बाद आते हैं 1872 से लेकर, साथियों याद रखना है, 1876 तक रहते हैं, मात्र 4 साल। उसके बाद लॉर्ड रिपन आते हैं जो 1876 से लेकर 1880 तक रहते हैं, मात्र 4 साल। रिपन के बाद लॉर्ड लिटन का समय आता है जो 1880 से लेकर 1884 तक रहते हैं, लिटन साहब। उसके बाद लिटन के बाद डफरिन का समय आता है जो 1884 से लेकर 1888 तक रहते हैं मेरे प्यारे छात्रों। फिर लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं डफरिन के बाद जो 1888 से लेकर 1894 तक रहते हैं। उसके बाद लैंसडाउन के बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय करके आते हैं जो 1894 से लेकर 1899 तक रहते हैं। और 27 नंबर में लॉर्ड कर्जन आते हैं जो 1899 से लेकर मेरे प्यारे छात्र 1905 तक गवर्नर जनरल, जिनके टाइम में बंगाल विभाजन बहुत सारी घटना हुआ है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इन तमाम गवर्नर जनरल के कार्य पढ़ा देंगे ताकि आपका एक वीडियो में पूरा गवर्नर जनरल का जितना भी महत्वपूर्ण काम होगा वो एक वीडियो में आपका 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, आप निश्चिंत रखिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, 28 नंबर पे जो गवर्नर आते हैं अगर हम बात करें, उनका नाम है लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो 1905 से लेकर 1910 तक रहते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनके समय में आपने पढ़ा होगा दिल्ली राजधानी बनाया गया, दिल्ली दरबार हुआ था, 1910 से 1916 रहते हैं। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड करके आते हैं, कब से कब रहते हैं, 1916 से साथियों 1921 तक चेम्सफोर्ड रहते हैं। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग का समय आता है जो 1921 से लेकर 1926 तक रहते हैं। फिर लॉर्ड इरविन का समय आता है जो 1926 से लेकर 1931 तक रहते हैं। और फिर लॉर्ड वेलिंगटन का समय आता है जो 1931 से लेकर 1936 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और भी कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल देख लेते हैं जो लास्ट तक हम लोग देख लेते हैं। फिर 34 नंबर पर लॉर्ड लिलिथगो का टाइम आता है जो 1936 से लेकर 1944 तक गवर्नर रहते हैं। फिर लिलिथगो बाद लॉर्ड वेवेल आते हैं, 1944 से 1947 रहते हैं। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, 1947 से लेकर 1948 तक रहते हैं। और लास्ट में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं जो 1948 से 1950 तक रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा किया, आप सभी ने बहुत कमेंट में कह रखा था कि गुरुजी पहले गवर्नर जनरल और उनका कार्यकाल बता दीजिए, एक सूची बना दीजिए कि कौन गवर्नर किसके बाद आए हैं और किनका क्या समय रहा है शासन करने का। तो हमने आपके वीडियो के कमेंट को पढ़ा और बहुत सारे छात्रों ने कहा हमने इस वीडियो को बना दिया, जाइए फटाफट से वीडियो का रिवाइज कर लीजिए, आपका महाडली 7 से 10 मिनट के अंदर सारा गवर्नर जनरल एक बार में रिवाइज हो जाएगा। और अगर बढ़िया से रिवाइज करना है तो आपको लगे कि जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है उसको कॉपी में नोट डाउन भी करिए और लगातार रिवाइज करिए, आपको सारा याद हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए होने वाला बेहतरीन और आपके लिए होने वाला बेहद खास। तब तक अपना ख्याल रखिए और सामान्य गवर्नर जनरल का जो है रिवाइज कर जाइए और सारे परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।